गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं सी सेट का। सी सेट 2019 में पूछा गया था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और डायग्राम बेस्ड है क्वेश्चन है। डायग्राम से भी देखेंगे और बिना डायग्राम से कैसे कर सकते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है इन अ ग्रुप ऑफ 15 पीपल, एक 15 ग्रुप सॉरी 15 लोगों का जो वो एक ग्रुप है, ठीक है। आगे लिखा है सेवन कैन रीड इंग्लिश, उसमें जो वो सात जो वो फ्रेंच बोल सकते हैं, सॉरी फ्रेंच लिखा है, सेवन जो वो फ्रेंच बोल सकते हैं और एट जो वो इंग्लिश बोल सकते हैं। मतलब कि सेवन जो वो कैसे हैं, फ्रेंच वाले हैं और एट जो वो यहाँ पे इंग्लिश वाले हैं। आगे लिखा वाइल थ्री ऑफ देम, इनमें से जो तीन ऐसे हैं जो कि कैन रीड नाइदर ऑफ दीज टू लैंग्वेज, तीन ऐसे हैं जो कि ना ही इंग्लिश बोल सकते हैं ना ही फ्रेंच बोल सकते हैं, ठीक है। आगे इसने बोला द नंबर ऑफ पीपल हु कैन रीड एग्जैक्टली वन लैंग्वेज, तो आपने ऐसे नंबर ऑफ पीपल बताने हैं, ऐसे लोगों की संख्या बताइए जो कि सिर्फ एक ही लैंग्वेज बोल सकते हैं, ठीक है। एक ही लैंग्वेज, या तो फ्रेंच बोलेंगे या तो इंग्लिश बोलेंगे, ठीक है। चलिए कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है 15 पीपल, 15 हमारे पास लोग हैं। इसमें एक कंडीशन इसने डाल दी कि वाइल थ्री ऑफ देम, इसमें से तीन ऐसे हैं जो कि कोई भी लैंग्वेज नहीं बोल सकते, तो हमें वो तो नहीं चाहिए, वो तीन हमें नहीं चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि हमें ऐसे बंदे चाहिए जो कि सिर्फ एक ही लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो यहाँ पे तीन तो ऐसे हैं जो कि दोनों में से कोई भी नहीं बोल सकते, तो 15 में से तीन तो मैं निकाल लूंगा बाहर ही। 15 में से तीन तो मैंने पहले बार निकाल दिए, आ गया 12, आ गया कितना 12। तो 12 में से हमने ऐसे नंबर ऑफ पीपल निकालने हैं जो कि सिर्फ एक ही लैंग्वेज बोल सकते हैं, याद रखिए, या तो फ्रेंच या तो इंग्लिश, या तो फ्रेंच या तो इंग्लिश। अब देखिए हमारे पास एक फार्मूला है, हमारे पास एक फार्मूला है नंबर ऑफ, चलिए ए मान लेता हूँ मैं किसको, नंबर ऑफ ए मान लेता हूँ मैं सेवन को, और नंबर ऑफ बी मान लेता हूँ मैं एट को, ठीक है। मतलब कि ये जो वो ऐसे पीपल हैं जो कि फ्रेंच बोल सकते हैं और ए ऐसे हैं जो कि इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी मतलब कि ए और बी दोनों, ओके। फिर आगे फार्मूला है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, और आगे माइनस करना है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब है यहाँ पे कॉमन, मतलब कि दोनों लैंग्वेज बोलने वाले कितने हैं, तो ए वाला हमारे पास नहीं है, ए वाला हमारे पास मिसिंग है। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब है कि इन दोनों लैंग्वेजों को, मतलब कि कौन ऐसे हैं जो कि इन दोनों को बोल सकते हैं, ठीक है। अगर ये निकल गया तब तो हम निकाल ही लेंगे, ठीक है। तो हमें जो वो यहाँ से ए निकालना पड़ेगा, हमने जो वो ए यूनियन बी निकाल लिया है, ए यूनियन बी मतलब कि दोनों लैंग्वेज, दोनों मतलब कि ऐसे जो कि एक लैंग्वेज भी बोलते हैं दो भी बोलते हैं, वो सारे इसमें आ जाएंगे, तो वो 12 है, हमने अभी तो निकाला, ठीक है। नंबर ऑफ ए हमने 7 निकाला है, नंबर ऑफ बी हमने जो वो 8 मान के चले हैं, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऐसे कितने हैं जो कि जो है वो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, वो हमने निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 7 और 8 प्लस हो गया तो कितना बन जाएगा, 7 7 हो गया 14, 15 हो गया, ठीक है। 15 में से ए दूसरी साइड चला जाएगा, 15 या तो 12 को इस साइड ले आओ, नंबर ऑफ इसको इस साइड घुमा दो, ठीक है। 12 15 में से 12 माइनस वो 3 बचेगा, मतलब कि तीन पीपल ऐसे हैं, तीन लोग ऐसे हैं, देखिए तीन लोग जो वो ऐसे हैं जो कि दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, मतलब कि कॉमन दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, इंग्लिश भी और फ्रेंच भी। अगर हमारे पास तीन ऐसे निकल गए, तो देखिए यहाँ पे सेवन इसने बोला था कि फ्रेंच बोल सकते हैं, एट जो वो इंग्लिश बोल सकते हैं, तो सेवन में से तीन ऐसे जो कॉमन है, तो सेवन में से तीन माइनस कर दिया, और यहाँ पे एट में से भी तीन माइनस कर दिया, तो यहाँ पे कितना बचा, फोर बचा, और यहाँ पे कितना बचा, फाइव बचा, दोनों को प्लस किया, ये जो फोर और फाइव निकला ये ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ एक ही लैंग्वेज बोल सकते हैं, क्योंकि कॉमन थ्री था, तो थ्री हमने जो माइनस कर दिया, फोर और फाइव आया, फोर और फाइव कितना हो गया, नाइन हो गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा नाइन, हमारा आंसर हो जाएगा नाइन। अब डायग्राम देखिए इसका, डायग्राम देखिए इसका, ग्रुप कितने पीपल का था, 15 पीपल का, ये सारा जो वो ये जो रेक्टेंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये जो वो किसको शो कर रहा है, ग्रुप को शो कर रहा है, ठीक है। इसमें से नंबर ऑफ फ्रेंच बोलने वाले जो वो कितने हैं, 7 है, ये जो वो किसके लिए है, नंबर ऑफ इंग्लिश के लिए है, कितने हैं, 8 है, ये जो वो कॉमन के लिए है, कॉमन कितना निकाला हमने, 3 निकाल लिया। अगर हमने 3 निकाल लिया, देखिए यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 8 था, 7 में से 3 माइनस करो, 8 में से 3 माइनस करो, कितना बचा, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे जो 5 बचा, 4 और 5 कितना हुआ, 4 और 5 कितना हुआ, 9 हो गया, तो 9 हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। डायग्राम अगर आपसे बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, डायग्राम से आप जल्दी जल्दी से इसको निकाल लेंगे, ठीक है। वैसे ये फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी किया हुआ 7 माइनस 3, 8 माइनस 3, 4 और 5 कितना हो गया, 9 हो गया। याद रखिए यहाँ पे जो पहली कंडीशन इसने बताई थी कि तीन ऐसे हैं जो कि कोई कोई भी लैंग्वेज नहीं बोल सकते, तो इसका मतलब है कि तीन तो पहले ही बाहर निकाल दो 15 में से, तो इसका मतलब है 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 9।
9 जो वो हमारे को मिलेगा, बी ऑप्शन इज राइट। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।